सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार लॉकडाउन के हालत आप देख ही रहे हो और आई एम रियली सॉरी, काफ़ी टाइम से आपके लिए मैं कोई नया व्लॉग नहीं ला पाया हूँ क्योंकि लॉकडाउन के वजह से। एक्चुअली देहरादून में, अगर आप देहरादून से हो तो आपको पता है देहरादून में ऑलरेडी लॉकडाउन है और यहाँ की सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पर थे तो इस वजह से हम व्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यार आपकी सेफ्टी भी ज़रूरी है और हमारी सेफ्टी भी ज़रूरी है और गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने हैं, हमें घर से नहीं निकलना है। तो यार एक आज छोटा सा व्लॉग मैं आपके लिए लाया हूँ। एक्चुअली मेरी बाइक के यामा MT-15 का पीछे वाला डिस्पैट काफ़ी घिस चुका है तो आज हम वही रिप्लेस करने वाले हैं। और सारी शॉप्स बंद हैं, मैकेनिकल शॉप सारी बंद है, कोई भी नहीं खुला है, बट डिस्पैट मैं ले आया था और चलिए आज घर में हम इसे चेंज करते हैं। और आप सब भी इसे पूरा एंड तक देखिए, कोई भी स्टेप आप स्किप मत करिएगा अगर आप भी डिस्पैट घर में चेंज करने वाले हैं। अगर आप स्किप करते हैं तो यार आप नहीं कर पाएंगे और अटक जाएंगे, तो वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखिए। तो चलिए, हाँ बाइक हमारी नीचे खड़ी है फ़िलहाल और डिस्पैट मेरे हाथ में है। तो यार ये पीछे वाले डिस्पैट हैं। और तो पहले मैं बता दूँ, लास्ट टाइम मैंने इसका डिस्पैच चेंज कराया था 6,000 किलोमीटर्स पे, अभी ऑलमोस्ट 15,000 रनिंग है और दोबारा डिस्पैच इसका ख़त्म हो गया है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 9,000 किलोमीटर्स अप्रोक्स चल गया है डिस्पैच में। और लास्ट टाइम जब मैंने इसका डिस्पैच डलाया था वो मैंने एजेंसी से डलाया था, ओरिजिनल वो 900 समथिंग का था। और बट अभी इस टाइम एजेंसीज बंद है तो मुझे ये डिस्पैट मिला है, ये कोई कंपनी का नहीं है, इट्स अ लोकल प्रोडक्ट। तो इसका रिव्यू भी मैं बाद में करने वाले हूँ कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा इसका परफॉर्मेंस, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल से इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, इतना ज़्यादा कम है कि आप यकीन भी नहीं करोगे। इसका प्राइस मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले इसे लगाते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है और नेक्स्ट वीडियो इसका रहेगा रिव्यू का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं जल्दी से गाड़ी के पास। तो और बाइक हमारी यहाँ पर खड़ी है तो फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ डिस्पैट आप देखिए पूरा घिस चुका है एंड टू एंड, कोई संभावना इसमें नहीं बची है। और ये डिस्पैट हमारे हाथ में है तो यार बाइक हो रही है गंदी। तो यार हमें इसमें चेंज करने के लिए इसमें दो एलगी पहले खोलने पड़ते हैं, एक ये है और आप एक देख सकते हो यहाँ पर है एलगी, तो ये दोनों एलगी हमें खोलने पड़ेंगे तो डिस्पैट यहाँ से खुल जाएगा। तो चलिए पहले ये करते हैं, एलगी इसमें 5 नंबर का लगेगा, मैं आपको पहले बता दूँ इसमें एलगी का ज़रूरत आपको पड़ेगा, अदरवाइज़ आप घर पर नहीं खोल सकते। तो 5 नंबर का एलगी इसमें लगता है, तो चलिए आप करते हैं स्टार्ट। तो यार एलगी से अभी हम ये नट पहले खोल लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये दोनों नट आपको खोलने हैं। तो यार ये दो नट थे जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर स्क्रू है इसमें और बाकी पूरा प्लेन है। तो ये देख सकते हो ये दोनों नट अभी हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो चलिए यार पुराना डिस्पैट हम यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं। तो यार ये देखो पूरा घिस चुका है, पूरा एकदम मतलब छेद भी हो गए हैं इसमें, ये इतना घिस चुका है कि छेद हो गए हैं। तो ये है इसमें पुराना डिस्पैड, ये देखो इसका तो पूरा लोहा बाहर आ गया है, तो इतना ज़्यादा ये घिस चुका था देख सकते हो आप।
आप देख सकते हो बीच में कंप्रेसर है इसमें, तो इसको हम थोड़ा पुश करते हैं गैप्स बनाने के लिए, ताकि नया वाला डिस्पैच जो है वो इसमें आ जाए। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। ये देखिए, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा गैप अभी आ चुका है, बट हमें थोड़ा और करना है क्योंकि नए वाले पैड्स लगाने हैं। देखिए धीरे धीरे ये अंदर पुश हो रहा है और इसमें गैप्स जो है बनते जा रहे हैं, तो हमें और थोड़ा पुश करना है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गैप इसमें बन चुका है अभी, ताकि हमारे जो नए पैड्स हैं, नए पैड्स की ग्रिप देखिए कितनी है ग्रिप, तो ये ग्रिप उसमें फिट आ जाए, इस हिसाब से हमें उसमें गैप्स बनाने हैं। और आप ये देख सकते हो यहाँ से हम कंप्रेसर में प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि हमें कितना प्रेशर उसमें देना है। ये देखिए, तो ये देखिए पूरा अंदर वो जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा अभी गैप आ गया है, ताकि हम अपना नया वाला जो ब्रेक डिस्क पैड है वो इसमें फिट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने ये नट यहाँ पर लूज़ कर दिया था, ताकि इसका प्रेशर जो है रिलीज़ हो जाए, जिससे कि ये अंदर प्रेस होने में इजीली ये अंदर चला जाए। तो प्रेशर काफ़ी हद तक यहाँ पर हमने रिलीज़ किया, तो चलिए अब नए पैड्स लगा के देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अंदर जा चुका है। अब नए पैड्स हम लगाते हैं और इसका सेटिंग फिर करते हैं। तो नया पैड्स अभी हम डाल रहे हैं इसमें। तो वो जो नट्स हमने निकाले थे, तो ये नट अभी हम वापस अंदर डाल रहे हैं। तो बेसिकली ये नट का क्या काम होता है मैं आपको बता दूं। ये देखिए डिस्क पैड्स में ये यहाँ पर गैप्स बने हुए हैं, तो जब ये पैड्स अंदर चले जाते हैं तो ये नट एक्चुअली इस पोजीशन में ये आता है यहाँ पर, तो जिससे कि ये पैड्स को होल्ड करता है। ये देखिए, तो इससे ये पैड्स को होल्ड करता है, ताकि पैड जो है गिरे ना और वो अपनी करेक्ट पोजीशन में रहें। इस नट का बेसिकली यही काम होता है, तो आप देख सकते हो ये देखिए। तो दो जो नट होते हैं वो इसलिए, एक इधर के लिए और एक इधर के लिए, तो वही अभी हम यहाँ पर नए वाले में एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी परफेक्ट पोजीशन में आ जाए। तो देखिए ये ब्रेक फ्लूड में से आता है यहाँ पर, जो कि प्रेशर क्रिएट करता है यहाँ पर कंप्रेसर में, जिससे कि हमारे डिस्पैट काफ़ी अच्छे और स्मूथली काम करते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने यहाँ पर ये नट लूज़ करके यहाँ पर प्रेशर रिलीज़ किया था, ताकि हम उसके कंप्रेसर को जो है अंदर पुश कर सकें। तो फ़िलहाल अभी हमारा काम हो गया है, तो इसको प्रॉपरली हम टाइट कर देते हैं। तो ये प्रॉपरली हो गया है टाइट, और इसे हमने कर दिया है कवर, और डिस्पैट आप देख सकते हो हमारे प्रॉपरली लग चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब जब भी हम ब्रेक मारेंगे तो फ्लूड से वो ऑलरेडी प्रेशर जनरेट करेगा, और जिससे कि डिस्पैट हमारे अच्छे से काम करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए
थोड़ा प्रेशर हम क्रिएट कर लेते हैं पहले, ताकि फ्लूड जो है पूरे सर्किट में अच्छे से फ्लो हो जाए। आप देख सकते हो हम वहाँ से ब्रेक मार रहे हैं और यहाँ पर देखिए कंप्रेसर प्रेशर बना रहा है अभी। तो आप देख सकते हो कंप्रेसर कैसे हिल रहा है, देखिए। तो वो वही सेम प्रेशर जनरेट हो रहा है जितना कि नीडेड होगा डिस्पैड में। तो हमें इसे अच्छे से पंप करते रहना है ताकि वो अच्छे से सेटिंग में आ जाए और आपको ब्रेक मारने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपके ब्रेक्स अच्छे से काम करें। तो आप देखिए प्रेशर अब अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए अब प्रेशर प्रॉपर बन चुका है और अच्छे से ये पंप कर रहा है। तो ये यार बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कहीं आप लगाएं और एकदम से लेकर निकल जाएं तो आपकी ब्रेक्स बिल्कुल नहीं लगेगी, या तो हो सकता है जाम हो जाए या हो सकता है कि ब्रेक लगे ही ना। तो ये सारा लगाने के बाद आपको अच्छे से प्रेशर क्रिएट करना है ताकि ये अच्छे से फ्लूड इसमें पूरा पंप हो जाए और प्रेशर पूरा बना रहे इसमें। तो फिलहाल हमारे डिस्पैड लग चुके हैं और प्रेशर भी अच्छे से क्रिएट हो चुका है। चेक कर लेते हैं, देखिए टायर अच्छे से मूव कर रहा है और ब्रेक्स भी लग रही हैं। तो फिलहाल स्टार्टिंग में ये डिस्क थोड़ा सा हार्ड चलेंगे और टायर थोड़ा सा हैवी चलेगा, क्योंकि डिस्पैड है तो उसमें थोड़ा हैवी चलता है और टाइम होने में उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, चलिए एक राउंड इसका लेके आते हैं तो देखते हैं कैसे चल रहा है। कैसे चल रहा है? ठीक है, सही है, स्मूथ चल रहा है। तो देखते हैं कैसे। पहले आवाज आ रही थी, फिर जब डिस्क ब्रेक नहीं था तो उसमें आवाजें आ रही थी, अब नहीं आ रही, एकदम स्मूथ चल रही है। तो गाइस डिस्पैड हो चुके हैं इंस्टॉल और गाड़ी चल रही है एकदम कूल और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है फिलहाल इसमें। तो ऐसे ही वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, MT15 से रिलेटेड या कोई भी बाइक से रिलेटेड मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियोज़ क्या देखना चाहते हैं। और अगर आप इस ब्रेक शू का रिव्यू देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप देखना चाहते हैं, और देखते हैं इस बाइक ब्रेक पैड का परफॉर्मेंस क्या रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसको भी आपको लगता है कि नीडेड है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।